तो आप लोगों ने कभी भी ढुसका ट्राई किया है? चलिए आज हम आपको ट्राई करवाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना मोटा अरवा चावल ले लिया था, मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप। और उसके बाद सेम कप से मैंने 1 कप भर के लिया चना का दाल, और उसी सेम कप से मैंने 1/2 कप लिया उड़द दाल। और उसको ना अच्छे से वॉश करने के बाद, मैंने 2-3 वाटर से वॉश किया था, और उसके बाद उसको ना ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया। जब वो अच्छे से फूल गया ना, उसके बाद फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के टाइम पे ना मैंने इसमें डाला था 6-7 लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक। बस आप इसको बहुत अच्छा से एकदम फाइन पेस्ट बनाना। फ़ाइन पेस्ट बनाने के बाद ना इसको फर्मेंट होने के लिए 2-3 घंटे रख दो। जब वो फर्मेंट हो जाए उसके बाद इसमें डालो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और ना हींग ज़रूर डालना। इससे टेस्ट ना बहुत इन्हेंस होता है, आप ट्राई करना। और उसके बाद इसको ना अच्छे से फेंट दो। देखो झारखंड में ना ये सब चीज़ें ना बहुत मिलती है, मतलब ये झारखंड का ना स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी लगता है, ट्राई करना। और इसको ना आप ना सरसों तेल में बनाना, ये डालोगे ना आप, ये अपने आप फूल जाएगा। आपको इस पर ना ज़्यादा प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है, खुद फूल के तैयार हो जाता है। और ये देखो कितना यम लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी बना था। आप बिल्कुल इसको ट्राई करो, आलू और मटर की सब्ज़ी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरे कहने से एक बार बनाओ, और अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो।